हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप उसमें जाकर के देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर के नेम से, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था FSSAI के बारे में कि FSSAI का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ और जो बेसिक क्या रहा फूड लॉस को लेकर के हमारे कंट्री में, और कैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आया, इसके बारे में हमने थोड़ा बेसिक समझा था। और हमने समझा था कि FSSAI जो है उसकी क्या क्या रोल है, उसके क्या फंक्शन है और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं। तो जो बेस है हमारा वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, वहीं से निकल करके सारी चीज़ें आती हैं। तो आज का जो लेसन है, लेक्चर नंबर 2 है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम हो, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, साइंटिफिक कमिटी, उसके बाद में साइंटिफिक पैनल और फूड स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो फूड स्टैंडर्डाइजेशन है उसका क्या प्रोसेस होता है, एक क्या मतलब ये प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं वो क्या होता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 है। इसके साथ ही साथ ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पे हमें फॉलो कर सकते हो। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम पेज पे आप हमसे जरूर जुड़ सकते हो। तो टेलीग्राम पे स्वा एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम है, इसके साथ ही साथ लिंक्डइन पेज भी है, आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज जो है पढ़ेंगे हम सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन चुके हैं, अगर आप पेपर उठा करके देखोगे प्रीवियस ईयर थे तो उसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस वगैरह भी बन सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझना है और कॉपी पेन लेकर के बैठना है, जिससे आपको ऑल ओवर एक आइडिया रहे बाद में कि आपने पूरे वीडियो में क्या पढ़ा क्या देखा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, ठीक है, तो इसका ओरिजिन क्या है और ये कहाँ से निकल करके आता है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो जो बेस है हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है, जिसमें टोटल अगर हम सेक्शन की बात करें 101 सेक्शन है हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 11 ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, द फूड अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ कमिटी टू बी नोन एज सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। यानी कहने का मतलब है जो हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट वाला, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन कर दी गई थी कि जो फूड अथॉरिटी है यानी कि FSSAI है, एक ऐसी कमिटी सेटअप करेगी जिसका नाम होगा सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसके पहले हमने पढ़ा था चेयरपर्सन के बारे में, दोनों अलग हैं, ठीक है, दोनों का काम अलग है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं FSSAI में, FSSAI में अगर सबसे बड़ी अथॉरिटी, जो सबसे बड़ा पोस्ट आप कह सकते हो जो है, वो है चेयरपर्सन का और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। तो सबसे पहले चेयरपर्सन आता है, तो चेयरपर्सन की अगर हम बात करते हैं तो चेयरपर्सन होता है हेड ऑफ द FSSAI, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं अगर CEO की बात करते हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो वो है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, अगर हम कह सकते हैं। तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास में है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास में, ठीक है। आप कमेंट करके बताना प्रेजेंट टाइम पे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है और प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है, ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहां पर एक बात मेंशन है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बना भी है, एक बार क्वेश्चन आया है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो चेयरपर्सन भी होगा किसका, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। ये कमिटी होगी, इसमें कुछ मेंबर होंगे, मेंबर्स के साथ में एक चेयरपर्सन होगा जो कि कौन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जिसको हम एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन बोलेंगे, क्योंकि वो एक टाइम पे दो पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, इसके साथ ही साथ एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन की, ठीक है। दूसरे आगे यहां पर मेंशन है कि द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर, ईच टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ फूड इंटरेस्ट, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर्स, रिलेवेंट रिसर्च बॉडीज एंड फूड लेबोरेटरीज, और इसके साथ ही साथ ऑल फूड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, इनको रिप्रेजेंट करेंगे ये दोनों मेंबर, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो आगे ये मेंशन है, एंड द चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी शैल बी एक्स ऑफिसियो मेंबर। साइंटिफिक कमिटी के बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन जो साइंटिफिक कमिटी होती है, साइंटिफिक कमिटी का जो
चेयरपर्सन होता है वो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का भी मेंबर होता है, तो वो भी एक टाइम पे दो पोजीशंस को होल्ड कर रहा है, ध्यान रखना। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर बोलते हैं। कहीं पर भी कोई भी पर्सन अगर एक टाइम पे दो पोजीशन को होल्ड करता है तो आप वहां पर उसको क्या बोलोगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर बोलोगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, द मेन पर्पस ऑफ सीएसी यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी इज टू इंश्योर क्लोज कोऑपरेशन, ठीक है, क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड द इन्फोर्समेंट एजेंसी। अथॉरिटी मतलब FSSAI, इन्फोर्समेंट एजेंसी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हरियाणा की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो FSSAI, उनके बीच में क्लोज कोऑपरेशन इंश्योर करने का काम कौन करता है, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी करती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक वर्क हमने देख लिया, और कौन कौन से मेंबर होते हैं और चेयरपर्सन कौन होता है कौन, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। यहाँ से इस पेज से जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर किसी भी एग्जाम में आते हैं तो मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं वहाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में देखो यहाँ पर मेंशन है, द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी शैल एडवाइज द फूड अथॉरिटी ऑन, फूड अथॉरिटी यानी कि जहाँ कहीं भी फूड अथॉरिटी का नाम आए, मतलब FSSAI की बात हो रही है, ठीक है। तो जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है वो फूड अथॉरिटी यानी FSSAI को एडवाइज करेगी, ठीक है, किन किन बेसिस पे, एक तो ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि जैसे बहुत सारा वर्क है तो उसमें कौन सा काम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको पहले किया जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क। उसके बाद में आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, ठीक है, रिस्क पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, पुलिंग ऑफ नॉलेज यानी कि एकुमुलेशन ऑफ नॉलेज, जिससे हम और अच्छे से स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉर्मेशन कर सकें और अच्छे से हम लॉज वगैरह बना सकें, जिससे कंज्यूमर और जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है दोनों को ही उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। सच अदर फंक्शन, अगर कोई अदर फंक्शन जो भी रेगुलेशन के द्वारा अगर स्पेसिफाई किए जाते हैं तो उनको भी क्या करेगा, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी उन पे भी काम करेगा, ठीक है। तो ये एक हो गया क्या बेसिक सीएसी के बारे में, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी के बारे में। सीएसी कभी कभी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का हमने देख लिया, ओरिजिन वगैरह देख लिया, मैंने चेयरपर्सन के बारे में देख लिया इससे रिलेटेड, और हमने वर्क देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा जो है वो है हमारा साइंटिफिक कमिटी। देखो इन सब के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे, जब भी आप सीरियसली प्रिपरेशन करोगे तब आपको रियलाइज होगा ये सारी चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए, एटलीस्ट अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, इतना नॉलेज आपको होना ही चाहिए, ठीक। कुछ भी आप इसमें से स्किप नहीं कर सकते हो। द फूड अथॉरिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट साइंटिफिक कमिटी विच शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक पैनल, यानी साइंटिफिक पैनल के बारे में भी हम आगे देखेंगे, अभी बस आप इतना देखो यहाँ पर कौन कौन से मेंबर होंगे, ठीक है, तो उसमें कौन कौन लोग होंगे, ठीक है। तो जो FSSAI इसको सेटअप करेगा, ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा यहाँ पर कौन कौन से मेंबर होंगे, तो पहली बात तो यहाँ पर चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक पैनल होंगे। अब जितने भी चेयरपर्सन होंगे साइंटिफिक पैनल के वो सभी यहाँ पर मेंबर होंगे, ठीक है। कितने भी साइंटिफिक पैनल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक पैनल के डिफरेंट डिफरेंट चेयरपर्सन होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो मेंबर भी होंगे, ठीक है। एंड 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे, जिनका मतलब साइंटिफिक पैनल से कोई लेना देना नहीं होगा, नॉट बिलोंगिंग और एफिलेटेड टू एनी साइंटिफिक पैनल, क्लियरली मेंशन भी है कि उनका साइंटिफिक पैनल से कोई रिलेशन नहीं होगा। दूसरे यहाँ पर नंबर में लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट में, द साइंटिफिक कमिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक ओपिनियन टू द फूड अथॉरिटी। तो इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि साइंटिफिक ओपिनियन प्रोवाइड करना फूड अथॉरिटी को, एंड शैल हैव द पावर वेयर नेसेसरी और ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक हेयरिंग। तो जहाँ पर भी इसके पास में अथॉरिटी भी होती है कि अगर वो चाहे कहीं पर भी पब्लिक हेयरिंग को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर देखो मेंशन है कि द साइंटिफिक कमिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल कोऑर्डिनेशन नेसेसरी टू इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ द साइंटिफिक ओपिनियन प्रोसीजर एंड पर्टिकुलर विथ रिगार्ड टू द अडॉप्शन ऑफ वर्किंग प्रोसीजर एंड द हार्मोनाइजेशन ऑफ वर्क मेथड ऑफ द साइंटिफिक पैनल, ठीक है। तो साइंटिफिक पैन कमिटी का ये भी काम होता है कि साइंटिफिक कमिटी भी आप देखोगे कहीं ना कहीं साइंटिफिक पैनल को एक तरीके से क्या करती है, उसको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, और वहाँ पर एक हार्मोनाइजेशन ऑफ वर्किंग जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिले, जिससे एक
वेल मैनर में जो भी चीज़ें हैं वो काम हो सके। आप देखोगे कि अगर वहाँ पे साइंटिफिक पैनल में कोई चीज़ें हैं, अगर वहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो वहाँ पर साइंटिफिक कमिटी भी इन चीज़ों को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम तक हेल्प करती है और एक हार्मोनाइजेशन मेंटेन करती है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर मेंशन है, द साइंटिफिक कमिटी शैल प्रोवाइड ओपिनियन ऑन मल्टी सेक्टरल इशूज। अगर मल्टी सेक्टरल इशूज हैं तो वहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर साइंटिफिक कमिटी के पास में बहुत सारी पावर्स हैं, वो यहाँ पर कई सारे इश्यूज पे क्या अपना ओपिनियंस दे सकते हैं। विद द कॉम्पिटेंस ऑफ मोर देन वन साइंटिफिक पैनल एंड ऑन इश्यूज डू नॉट फॉल विद इन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द एनी ऑफ द साइंटिफिक पैनल। सिंपली कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि साइंटिफिक पैनल किसी इशू को देख रहा है, वहाँ पर वो कुछ अगर काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब उनके एरियाज में नहीं है, उनकी अथॉरिटी में नहीं है, या फिर कुछ अपर लेवल का वहाँ पर डिस्कशन और चाहिए, तो वहाँ पर साइंटिफिक कमिटी एक तरीके से असिस्ट करेगी साइंटिफिक पैनल को और चीज़ों को यहाँ पर मैनेज किया जाएगा। उसके बाद में वेन एवर नेसेसरी एंड पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द एनी ऑफ द साइंटिफिक पैनल, द साइंटिफिक कमिटी शैल सेटअप वर्किंग ग्रुप एंड इन सच केसेस इट शैल ड्रॉ ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ द दोज वर्किंग ग्रुप्स वेन एस्टेब्लिशिंग साइंटिफिक ओपिनियन। सेम वही बात है जो भी हमने डिस्कस किया कि साइंटिफिक पैनल अगर वहाँ पर कुछ काम कर रहा है और कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जो साइंटिफिक पैनल के लिए वहाँ पर देखोगे कि अगर वो उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर डू नॉट फॉल विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द एनी ऑफ द साइंटिफिक पैनल, तो उस केस में साइंटिफिक कमिटी एक नया ग्रुप सेटअप कर सकती है और उस इश्यूज पे वो लोग वहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है, जो भी ओपिनियन होगा उसको लेकर के आगे प्रोसीड कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये था हमारा साइंटिफिक कमिटी के बारे में। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखो बात करते हैं साइंटिफिक पैनल के बारे में, तो साइंटिफिक पैनल के बारे में अभी तक हम सुनते चले आ रहे थे, अब एक्चुअल में यहाँ पर देखते हैं कि साइंटिफिक पैनल होता क्या है। तो साइंटिफिक पैनल प्रोवाइड देयर एक्सपर्ट एडवाइस ऑन स्पेसिफिक फील्ड सच एज बायोलॉजिकल हैजार्ड, कंटामिनेंट्स, फूड टेस्टिंग, सैम्पलिंग, वाटर, मीट, डेयरी, सीरियल्स और ऑयल, न्यूट्राश्यूटिकल्स। उसके बाद में यहाँ पर आगे देखो इनके बारे में मेंशन है कौन कौन से एरियाज हैं। तो देखो आपने देखा होगा कि जैसे आप फिश हो गए या फिर फिश प्रोडक्ट्स हो गए, वाटर हो गया, ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे सीरियल्स हो गए, फिर आप देखोगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्राश्यूटिकल्स हो गया जो आजकल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इन सब के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो इन स्टैंडर्ड्स को कौन बनाता है? हम तो FSSAI को जानते हैं, लेकिन FSSAI तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन ये काम करता है? तो साइंटिफिक पैनल जो है सबसे ज़्यादा काम करता है इस पे स्टैंडर्ड्स बनाने में, ठीक है। द फूड अथॉरिटी मे एस्टैब्लिश एज मैनी एज साइंटिफिक पैनल, तो फूड अथॉरिटी को जितने भी साइंटिफिक पैनल की ज़रूरत होती है वो बना सकता है, उसके बाद में कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको इतने ही साइंटिफिक पैनल बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एरियाज दिए गए हैं जिन पे साइंटिफिक पैनल जो है वो बनाए जा सकते हैं, यानी कि FSSAI जो चाहे तो इन सारे जो एरियाज हैं इन पे साइंटिफिक पैनल बना सकता है, ठीक है। पहला है फूड एडिटिव, फ्लेवरिंग है, प्रोसेसिंग एड्स एंड मटेरियल इन कॉन्टेक्ट विद फूड, इनको आपको याद रखना है एटलीस्ट। कभी कभी ऑप्शंस में दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि मतलब कौन कौन से एरियाज में बना सकता है साइंटिफिक पैनल FSSAI, कौन कौन से एरियाज में नहीं बना सकता। तो यहाँ पर पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक रेसिड्यूज हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड फूड्स हैं, फंक्शनल फूड हैं, न्यूट्राश्यूटिकल्स हैं, फिर आप देखोगे डाइटेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं, कंटामिनेंट्स इन द फूड चेन है, लेबलिंग है और मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस है, ठीक है। इनके अलावा, क्योंकि पहले तो हमें नहीं पता होता है कि इनके अलावा अगर कुछ नया कुछ इशू आता है उसको लेकर के अगर वहां पर कुछ डिस्कशन करना है तो वहां पर साइंटिफिक कमिटी अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद में साइंटिफिक पैनल पे ही अगर आगे देखें हम, तो द साइंटिफिक पैनल आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो सेक्शन 13 में इसके बारे में बात करी गई है, द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस, ठीक है। अभी हम फूड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और आगे देखेंगे। तो यहाँ पर फूड स्टैंडर्डाइजेशन आपका थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि साइंटिफिक पैनल और फूड स्टैंडर्डाइजेशन दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस, उसके बारे में आगे हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। अगर अभी आप न्यूज़ में देख रहे होगे तो INR पे एक इशू चल रहा है
कि इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसको लेकर के बात चल रही है। तो क्या होता है, पहले किसी भी चीज़ को लेकर के एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर लोगों से वहाँ पर उनके उन ओपिनियन सबके मांगे जाते हैं, उसके बाद में फिर बिल वगैरह पास होता है, फिर फाइनली उसको हम एक रेगुलेशन वगैरह बना देते हैं। मतलब पहले डिस्कशन होता है, फिर सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद में उसको फाइनली जो FSSAI है अपने ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेंशन है आफ्टर रिकमेंडेशन बाय साइंटिफिक पैनल, तो सबसे पहले साइंटिफिक पैनल इस पर रिकमेंडेशन देता है एंड वैलिडेशन बाय साइंटिफिक कमिटी, साइंटिफिक कमिटी उसको फिर वैलिडेट करेगा, स्टैंडर्ड्स इज अप्रूव्ड बाय फूड अथॉरिटी, फिर उसके बाद में फूड अथॉरिटी क्या करेगी, उसको अप्रूव करेगी एंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फाइनली जो चीज़ें जाएंगी वो जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास में। ठीक है, देयर आफ्टर अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इज issued for inviting public comments on for a period of 60 days. ये सारी चीज़ें होने के बाद में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा, वहाँ पर पब्लिक कमेंट्स मांगे जाएंगे कि पब्लिक का आखिर क्या व्यू है। तो आप भी चाहो तो अपना एक पोर्टल वगैरह ये लोग दे देते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। 60 डेज का टाइम दिया जाता है, उसके बाद में फिर दोबारा से कमिटी बैठती है, फिर दोबारा से उस पर रिकंसिडरेशन होता है, फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। द कमेंट्स रिसीव्ड आर देन कंसिडर्ड बाय द रिलेवेंट साइंटिफिक पैनल एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ साइंटिफिक कमिटी, फूड अथॉरिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी कि वही प्रोसेस दोबारा से दोहराया जाता है, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है तो उसमें कुछ अमेंडमेंट हो जाता है, वरना फिर उसके बाद में उसको रिवाइज रेगुलेशन के तौर पर इशू कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये फूड स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है। अभी तक हमने फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में देखा, फूड स्टैंडर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, एक बेसिक प्रोसेस देखा, अभी आगे हम और थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आखिर ये फूड स्टैंडर्डाइजेशन है क्या, तो यहाँ पर देखो जैसे मेंशन है कि द बेसिक पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग फूड स्टैंडर्ड्स इज प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, आखिर यहाँ पर अगर आप देखो तो ये FSSAI को क्यों इस्टेब्लिश किया गया, इतने लॉज बनाने की हमें क्या ज़रूरत थी। लॉज के साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इतने सारे ये साइंटिफिक कमिटीज, साइंटिफिक पैनल, उसके साथ ही साथ आप देखोगे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करना, उसके बाद में आप देखोगे कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरपर्सन ऑफ द FSSAI, आखिर इन सब की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर मेन पर्पज़ जो है, मेन फोकस जो है वो क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड रिस्क। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ को हम कम कर सकें, एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें, और जो हेल्थ रिस्क है उसको हम ओवरकम कर सकें। एंड प्रमोटिंग फेयर ट्रेड इन फूड आल्सो टू प्रिवेंट मिसलीडिंग, यानी कहने का मतलब है फेयर ट्रेड को हम प्रमोट कर सकें कि कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर पूरे नेशनल लेवल पे हमारे कंट्री में अगर कोई फूड ट्रेड हो रहा है तो ऐसा नहीं है किसी को कहीं पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी को लेकर के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो सभी के पास में एक ओपन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और एक फेयर ट्रेड होना चाहिए जिसमें किसी के लिए कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रिवेंट मिसलीडिंग, अगर आप देखोगे कि जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर जो लेबलिंग होती है वहां पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंज्यूमर को मिसलीड ना किया जाए, इन सारी चीजों को रोकने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि फेयर ट्रेड की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर इस बारे में मेंशन भी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सच स्टैंडर्ड शुड बी यूनिफॉर्म नेशनली, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए नेशनल लेवल पे। अब वो चाहे कोई पर्टिकुलर स्टेट हो, चाहे वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी FSSAI स्टैंडर्ड्स बनाता है वो सभी स्टेट में इक्वली इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर, सो दैट द FBO इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री हैव only one set of requirement to be compiled with the hands of a level playing field। yani kehne ka matlab hai ki food business operator agar different sector mein different state mein apna business kare to unko isko lekar confusion nahi hona chahiye, unke paas mein ek one set of requirement honi chahiye jisko unhe fulfill karna chahiye। to yahan par aapne dekha ki jo food standards hai unki bahut zyada importance hai, bina food standards ke aap dekhoge ki jo bhi food manufacturer hota hai usko ek tarike se jo acha nutritional level chahiye hota hai ya fir achi quality chahiye होता है वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमें बहुत सारी चीजों को देखना है कि मेन फोकस हमारा यही है कि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे हमारे इंडिया में तो ये काम FSSAI करता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे यही काम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो उस प्रोसेस के बारे में मेंशन है जैसा कि हमने पीछे बात किया था, तो यहाँ पर भी सेम वही साइंटिफिक पैनल वही इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कोई इश्यूज आता है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसको लेकर के अगर कोई स्टैंडर्ड्स बनाने, तो सबसे पहले ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर आएगा, ठीक है, न्यू स्टैंडर्ड्स या फिर रिविजन के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल। सबसे पहला काम क्या होगा, एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनेगा, ठीक है। ड्राफ्ट प्रपोजल बनने के बाद में क्या होगा कि उसको साइंटिफिक पैनल जो है वो रिव्यू करेगा, साइंटिफिक पैनल रिव्यू करेगा, उसके बाद में साइंटिफिक कमिटी उसको रिव्यू करेगी। अगर साइंटिफिक कमिटी उसको वैलिडेट कर देती है, उसके बाद में ये चीज जाएगी फूड अथॉरिटी यानी कि FSSAI के पास में। तो FSSAI यानी कि चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेन वही यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि चीज़ें जब हो जाएंगी तो उसके आगे अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, तो फूड अथॉरिटी यहाँ पर क्या करेगी, इसको दोबारा से इधर भेजा जाएगा फूड अथॉरिटी के बाद में, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास में जाएगा। तो यहाँ पर अगर अप्रूव्ड हो जाता तो ठीक है, अगर अप्रूव्ड नहीं होता है तो यहाँ पर आप देखोगे कि आगे जा करके चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी, फिर से इसको रिव्यू किया जाएगा कहने का मतलब। लेकिन अगर अप्रूव्ड हो जाती हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोबारा से अगर इसको अप्रूव कर देता है तो फाइनली ये ऑफिशियल जो गैजेट ऑफ इंडिया है वहाँ पर इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। गैजेट ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का एक, आप कह सकते हो एक पब्लिकेशन टाइप है, जहां पर वो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को वहां पर पब्लिश करते हैं। अगर वहां पर कोई चीज भी पब्लिश हो जाती है तो इसका मतलब अब वो पूरी तरीके से क्या है, अप्रूव्ड हो चुकी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एक बेसिक प्रोसीजर है जो आपको याद रखना है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और आप देख लो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक कभी-कभी। तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स की, हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स कट अक्रॉस वेरियस फूड कैटेगरी एंड primarily relate to food safety covering limits for various contaminants। इसमें आपको याद क्या रखना है, ठीक है, covering limits for various contaminants जिसमें केमिकल एंड बायोलॉजिकल्स हैं, टॉक्सिन्स इन फूड हैं एंड रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग है, लेबलिंग एंड क्लेम्स हैं, दीज आर कवर्ड अंडर FSS contaminants टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यू रेगुलेशन 2011। ऐसे आपने देखा बहुत सारे रेगुलेशन है FSSAI के, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। फिर अंडर अपेंडिक्स बी ऑफ FSS, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट इन्फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन ये जो रेगुलेशंस दिए गए हैं इनको आपको एक बार एटलीस्ट देखना पड़ेगा, इसके बारे में आगे हम देखेंगे, इनको एटलीस्ट आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड, इसमें क्या है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, टॉक्सिन्स इन फूड हैं, पैकेजिंग लेबलिंग है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। वैसे ही जब आप वर्टिकल में जाओगे, वर्टिकल मेनली इंक्लूड आइडेंटिटी एंड कंपोजिशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट एंड आर कवर्ड अंडर फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन है, जैसे कि आप देखोगे हेल्थ सप्लीमेंट हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, फूड और स्पेशल डाइटरी यूज हो गया, उसके बाद में फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस हो गया, फंक्शनल फूड हो गया, नॉवल फूड हो गया। तो बस आपसे यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या किसमें इंक्लूडेड है, तो वर्टिकल में याद रखना है आपको, हॉरिजॉन्टल में याद रखना है, बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो आगे और भी मेंशन किया गया है, करंटली फूड अथॉरिटी हैज कमीशन 21 साइंटिफिक पैनल, अभी के टाइम में ये घट बढ़ भी सकते हैं जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है। तो यहाँ पर 11 जो हैं आपके वर्टिकल हैं, 10 जो हैं वो हॉरिजॉन्टल पैनल हैं, यानी कि जो भी हमने पीछे देखा हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड और वर्टिकल स्टैंडर्ड, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैनल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हॉरिजॉन्टल पैनल है, तो हॉरिजॉन्टल पैनल में देखो आप फूड एडिटिव्स, फ्लेवरिंग, प्रोसेसिंग एड्स, मटेरियल इन कॉन्टेक्ट विद फूड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, उसके बाद में एंटीबायोटिक रेसिड्यू हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया, बायोलॉजिकल हजार्ड्स हो गया, कंटामिनेंट्स इन फूड चेन हो गया, फिर लेबलिंग एंड क्लेम्स हो गया, फिर आपके मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस हो गया, फिर आपके न्यूट्रिशन एंड फोर्टिफिकेशन हो गया, फिर पैकेजिंग हो गया। ये आपको याद रखना है, ये आपका हॉरिजॉन्टल पैनल में हो गया, ठीक है। वर्टिकल पैनल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर फंक्शनल फूड, न्यूट्रास्यूटिकल, डाइटरी और फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट हो गया, सीरियल एंड पल्सेस हो गया, उसके बाद में फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गया, मीट एंड मीट प्रोडक्ट हो गया, फिर आप देखोगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ऑयल फैट्स हो गया, स्वीट एंड कन्फेक्शनरी आइटम्स हो गया, स्वीटनर्स हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद में आप देखोगे स्पाइस एंड कलनरी हब्स हो गया, फिर 11 नंबर पे आपका अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गया। तो ये आपके 11 जो हैं, ये आपके आपके क्या है, वर्टिकल पैनल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो अभी आपने देखा कि आज के हमने सेशन में क्या पढ़ा, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में पढ़ा, हमने साइंटिफिक कमेटी के बारे में पढ़ा, हमने साइंटिफिक पैनल के बारे में पढ़ा, हमने फूड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है तो आई होप अभी आपको आइडिया होगा। थोड़े से छोटे छोटे आप नोट्स बनाते चल सकते हो, जिससे आपको ऑल ओवर एक आइडिया रहे सारी चीज़ों को समझने के लिए। अगर आपको एक ऑल ओवरऑल अगर आइडिया रहता है तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, वरना आप नोट्स पढ़ते जाओगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके नोट्स हैं, इनको आप ले सकते हो। अभी सिलेबस डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस आएगा तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर चेंजेस होते भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको हम नोट्स अपडेट करके दे देंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस पर आप व्हाट्सएप करोगे, हम आपको सैम्पल कॉपी बाकी डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं, जैसे फूड लॉ रेगुलेशन हो गया, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फूड केमिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको इस सिंगल बुक में देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो आई होप अभी जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको थोड़ा सा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, जिससे मतलब एक लगता है कि हाँ आपको सेशंस जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस जो हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।